दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका राशन कार्ड बंद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है सरकार धीरे धीरे राशन कार्ड बंद कर रही है। जिन लोगों के पास अच्छी कमाई है उनके राशन कार्ड बंद हो रहे हैं, ठीक है। जबकि हो एक्चुअल में उल्टा रहा है, क्योंकि काफ़ी राशन कार्ड ऐसे बंद हुए हैं जिनके पास अच्छी कमाई नहीं थी, फिर भी उनका राशन कार्ड बंद कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो ये गलत बात है, अच्छी छानबीन करके ही राशन कार्ड सरकार को बंद करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरीके से देख पाओगे कि आपका राशन कार्ड बंद हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है eps.bihar.gov.in, ठीक है। इस पर आपको आना है। इसके बाद देखिए, यहाँ लिखा हुआ है RC डिटेल, सबसे नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रूरल या फिर अर्बन कर लेना है अपने हिसाब से, शहर के लिए अर्बन, गांव के लिए रूरल। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, इसके बाद राशन कार्ड का नंबर डालना है, इसके बाद सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक बॉक्स बन के आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आएगी लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लिखा आता है नीचे की साइड में, यहाँ पर इस साइड एक लाइन आएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर राशन कार्ड फाउंड, अगर फाउंड लिखा आता है तो इसका मतलब आपका राशन कार्ड अभी एक्टिव है, बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा आता है राशन कार्ड डिसेबल, अगर डिसेबल लिखा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपका राशन कार्ड बंद कर दिया गया, ठीक है। ये देखिए, सबसे नीचे लिखा आएगा यहाँ पर आपका आधार नंबर सब कुछ आ जाएगा अपने आप। और यहाँ पर नीचे की साइड में लिखा होगा राशन कार्ड फाउंड है या फिर राशन कार्ड डिसेबल है। फाउंड है तो इसका मतलब आपका राशन कार्ड ओके है, और डिसेबल है तो राशन कार्ड ओके नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।